अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता कुकिंग सेंट्रल। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल कबाब पाव। आप किस किस को पसंद है कबाब पाव, मुंबई के कौन ने खाए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बहुत ही चटकारे वाले कबाब है, बहुत ही टेस्टी कबाब लगते हैं खाने में। चलिए आइए इसे बनाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 400 ग्राम कीमा। अभी इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर है, ये मैंने मिक्स कर पीसी हूँ। यहाँ डाल देंगे एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, एक कटी हुई प्याज, इसका मैंने पानी निकाल लिया था, थोड़ी सी फ्रेश कोथमीर और बराबर का पुदीना। इसमें दो चम्मच डाल देंगे तेल। आप ये गरम तेल है, आप चाहे तो बटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेना है। गाइस ये सच में इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, आप जरूर से ट्राई कीजिए। अभी बकरीद नजदीक है तो गोश्त तो माशाल्लाह सबके घर में आएगा ही इंशाल्लाह, तो जरूर से ये मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अभी इसे हम कर देंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स। गाइस यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ बेसन। बेसन का आटा मैंने भून कर ले ली हूँ। यहाँ हम जितनी जरूरत है हम उतना ही डालेंगे, ज्यादा आटा डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं छोटे 3 से 4 चम्मच आटा ऐड कर रही हूँ। आपको मैं क्वांटिटी दिखा दूँ, अगर आपका 1 किलो का कीमा है तो आपने उसमें 1.25 किलो बेसन का इस्तेमाल करना है, ये एकदम सही मिजान है गाइस। आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे लीमू का रस। ये कबाब है ना बहुत ही चटपटे और बहुत ही चटाकेदार लगते हैं, आप जरूर से ट्राई कीजिए। मुंबई के तो हर दूसरे ठेले पर आपको ये कीमे के कबाब और पाव जरूर मिलेंगे। इसे हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ताकि इसमें कीमे में हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी हम सबसे पहले अपनी तैयार कर लेंगे चटनी, हरी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पुदीना ले ली हूँ, कर देंगे फ्रेश कोथमीर, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, आधा नींबू का रस, 2 आइस क्यूब डाल देंगे इसके अंदर ताकि हमारी चटनी काली नहीं पड़े। हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही एकदम चटकारेदार मस्त बनी है चटनी गाइस। इस तरह से मैंने गाढ़ी गाढ़ी रखी है क्योंकि हमें इसमें इसे पाव पे अप्लाई करना है, इसीलिए इसे रख देते हैं साइड में। हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसको हथेली की मदद से इस तरह से शेप दे देने। अभी हम सारे कबाब पहले टिक्की बनाकर रख देंगे। सारे टिक्की बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, अभी इसे हम कर देंगे फ्राई। जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई की थी मैं वही ऑयल भी यूज करूंगी। एक एक करके हमने अपने सारे कबाब डाल देने हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि अभी हमारा कीमा पूरी तरह से कच्चा है, तो ऐसा ना हो गाइस कि हमारा कीमा अंदर से कच्चा ही रह जाए। अभी हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना है, पहले इसे अच्छे से पक देने, एक साइड पूरी पक जानी चाहिए अच्छी तरह से, फिर इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है, अभी थोड़े से और इसके कलर चेंज होने के बाद हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे। हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसमें सबसे पहले अप्लाई कर देंगे चटनी। इसके ऊपर रख देंगे हम अपने कबाब। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी बने हैं हमारे कबाब। आप भी जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मेरी वीडियो को भी फॉलो कीजिए, साथ में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है गाइस, तो जल्दी से बनाकर खाइए और मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा साबुत पुदीना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है।
इसके हम दूसरी साइड पे भी चटनी लगा देंगे। चटनी माशाल्लाह बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी इसे कर देंगे बंद माशाल्लाह, और बिस्मिल्लाह बोलकर खाते हैं। गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।